हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की कुछ राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं, कुछ नेशनल पार्क हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक बार स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर वासी की। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक बार हमारे आज यूट्यूब चैनल आशी एजुकेशन पर। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें, जो हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो नेशनल पार्क उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते क्या है, इनसे ही क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, इनमें देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभ्यारण्य हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में कुल कितने 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और ये हमारे 31 अभ्यारण्य हैं। सबसे अधिक हमारे मध्य प्रदेश में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये कान्हा किसली है और जो कि मंडला व बालाघाट जिले में आता है। यानी कि ये मंडला बालाघाट जिले में दोनों में पड़ता है, ये हमारा कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, ये डुबरी नाम है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप निष्पक्ष रहिए, कॉपी को कॉपी में नोट डाउन कर लिए, इन पॉइंटों को कॉपी में आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेते कि डुबरी किसका पुराना नाम है। तो ये है संजय गांधी नेशनल पार्क का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश के जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर, ये मंडला और बालाघाट ये किसके बीच में है, यहाँ पर हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये हमारे गैनी मैनफोर्ड है और जबकि भारत में पूछ लिया है तो केवल कौन से हैं, कैलाश सांखिल्य सांखिल्य, याद रखिए भारत की पूछे तो कैलाश सांखिल्य है और यदि और ये जो यदि पूरे विश्व में पूछे, वर्ल्ड की पूछे तो गैनी मैनफोर्ड, ये किसके हैं, टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता है। अगला है प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान, ये हमारे भोपाल में स्थित है। आप सभी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन इन्हीं से बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है, डिंडोरी में, और जबकि एक और दो, यानी कि मध्य प्रदेश में दो जीवाश्म उद्यान है, एक तो है डिंडोरी में, एक है कौन सा, डायनासोर, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारे धार जिले में पड़ता है, धार में पड़ता है, ये हमारे डिंडोरी में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म उद्यान, दोबारा से आ चुका है ये, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे डिंडोरी में है और दूसरा कौन सा है, धार में है। धार में कौन सा, ये डायनासोर के लिए, और ये जो हमारे जो जीवाश्म उद्यान ये वाला है, ये हमारे वनस्पति जीवाश्म के लिए है, वनस्पतियों के लिए। अगला है हमारा पॉइंट कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज केसर नाम एक भव्य भवन बना हुआ है, भव्य भवन बना हुआ है, कौन सा है, ये जॉर्ज केसर से पहाड़ी शिखर पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाए जाने वाला जीव कौन सा है, चीता। यानी कि हर राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है सभी में ये चीतल नाम का जीव अवश्य मिलेगा आपको। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप मिस ना करें तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनसे ही क्वेश्चन बने हुए हैं, जो कि हमारे MBBPSC वगैरह है, जो पुलिस है, MP के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप निष्फिक्र रहिए, सारी सीरीज सारा कोर्स आपको यही कराइए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि प्रदेश का बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है सर्वाधिक घनत्व शेरों की दृष्टि से वाला है, यानी सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा है, बांधवगढ़
शेरों की दृष्टि से देखा जाए तो। अगला है मध्य प्रदेश के पन्ना में रेप्टाइल्स पार्क है। देखिए रेप्टाइल्स पार्क कहाँ पर स्थित है, पन्ना जिले में है, जो हमारे सिर्फ प्रदेश में सिर्फ एक मात्र है ये की है पन्ना जिले में। कौन सा रेप्टाइल्स, पन्ना जिले किसके लिए, हीरे के लिए उत्पादक है, हीरे का उत्पादन होता है यहाँ पर। अगला है प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति ब्रेडरी का बारहसिंगा प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कानाचली में पाया जाता है। बारहसिंगा जो पाया जाता है कहाँ का, ब्रेडरी का बारहसिंगा जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे कानाचली में है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है कि मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों यानी कि हिरणों की सर्वाधिक संख्या, कृष्ण मृग की सर्वाधिक संख्या कहां पर है, पेंच में है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़े जाने का प्रस्ताव है। यहां पर देख सकते हैं अभी ये प्रस्ताव है, इसको कान्हा किसली और बांधवगढ़ जो इनके जो जंगल है इनकी गलियारों को जोड़ने की बात हो रही है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान अब इंदिरा गांधी प्रदर्शनीय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, इंपोर्टेंट है आप देख सकते हैं। चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे एक एक से सभी राष्ट्रीय उद्यानों को, इनमें सभी को डिस्कस करेंगे कौन सा कहां कब स्थापित हुआ, किस जगह है, कितना क्षेत्र फैला है, यहां पर कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, यही प्रमुख मुख्य है, तो इनको आज हम डिस्कस कर लेंगे एक एक से सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, पहला है कान्हा किसली, जो कि हम सभी जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यही है कान्हा किसली। तो ये किस जिले में पड़ता है, ये हमारे मंडला जिले में और बालाघाट जिले में, ये दोनों जिलों की सीमा पर बना हुआ है, इसलिए दोनों में बनता है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये स्थापना 1955 में हुई थी और ये किस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर और कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, बाघ है, चीता है, चीतल है, शाभर है, गौर, कृष्ण मृग, बाइसन और बारहसिंगा इत्यादि जो और भी है, पर ये प्रमुख है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये 1955 में इसकी स्थापना हुई थी कान्हा किसली, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बांधवगढ़, ये बांधवगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा ये उमरिया कोटकट्टी जिलों में जो पड़ता है, ये इसकी स्थापना की बात करें तो 1968 में, इसका क्षेत्रफल है 448.842 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर में है ये। वही बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, सफेद शेर ये सब पाए जाते हैं कहाँ पर, हमारे ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखिए स्थापना कब हुई थी 1968 में, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस जिले में है ये आप ये भी याद रखिए, क्योंकि ये क्षेत्रफल तो बहुत कम ही आते हैं, पर इनको आप ये दो स्थापना और जिलों को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है ये देख सकते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्क है राष्ट्रीय उद्यान इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में तो माधव राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में हुई थी और किलोमीटर किस क्षेत्र में फैला हुआ है, ये 375.23 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और ये जिले की बात करते हैं तो ये शिवपुरी जिले में पाया जाता है और यहाँ वन्य जीव देखिए यहाँ पर मुख्य सभी सभी में चीतल पाया जा रहा है, जैसे हमने बताया था कि सबसे अधिक चीतल हर राज्य में हर उसमें राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो यहाँ पर तेंदुआ, शांभर, नील गाय, जंगली सुअर है, प्रवासी पक्षी है, मगरमच्छ ये सारे पाए जाते हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख सकिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, ये पड़ता है पन्ना जिले में पड़ता है और ये छतरपुर में भी पड़ता है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1981 में और ये क्षेत्रफल की बात करें तो 542, याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए चीतल सभी में मिल रहा है आपको, बाघ, तेंदुआ, शांभर, चिंकारा, भालू ये भी यहाँ पर वन्यजीव पाए जाते हैं, कहाँ पर ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में 1981 इसकी स्थापना दिवस है, याद रखिए। नेक्स्ट की बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये हमारा कहाँ बनता है, ये हमारे
ये हमारे पड़ता है छिंदवाड़ा वास्तु वन में पड़ता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और 292 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। चीतल मुख्य है यहाँ पर, बाघ, तेंदुआ, सांबर, हिरण ये भी हमारे उसमें मिलते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। नेशनल उद्यान है हमारा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा है संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, ये 466 और स्थापना वर्ष की बात करें तो 1961 में हुई थी और ये कहाँ पड़ता है, ये हमारे सीधी जिले में पड़ता है। चीतल है, तेंदुआ है, बाघ है, नीलगाय, चिंगारा ये भी आदि प्रमुख जीव हैं जहाँ पर पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, आपको सिर्फ उसके उनके जिले और स्थापना वर्ष आपको याद रखेंगे इनकी, मुख्य रूप से यही पूछे जाते हैं और इनमें जो प्रमुख है उनके लिए पूछे जाते हैं कौन सा वन्यजीव इसमें पाया जाता है। चलिए तो सबसे इंपोर्टेंट हमारा चीतल ही है, सभी में पाया जाता है। अब है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1983 इसकी स्थापना वर्ष है और 529 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जिले की बात करते तो होशंगाबाद मिलाए हुए, होशंगाबाद में है ये सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, भालू, मजाक, हिरण इस तरह इत्यादि ये सारे वन्यजीव हैं। नेक्स्ट उद्यान जो हमारा है पढ़ लेते हैं वन विहार। ये कि हमारे कहाँ पड़ता है, वन विहार, इससे आप याद रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट, ये हमारे भोपाल में पड़ता है और ये 1979 में इसकी स्थापना वर्ष है ये, और ये मध्य प्रदेश के सभी वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं, जितने भी पाए जाते हैं सभी वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं, यानी कि चीतल है, सुअर है, जंगली जो भी मध्य प्रदेश में सभी पाए जाते हैं, बाघ, शेर, ये सभी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर मध्य प्रदेश के सभी वन्य जीव पाए जाते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, वन विहार, आप याद रख सकते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं तो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर में आपको याद आ रहा होगा, ओमकारेश्वर में एक गुफा आपने बताई थी जो कौन सी है, शंकराचार्य, शंकराचार्य की गुफा जो हमने बताई थी कहाँ पर, ओमकारेश्वर में बताई थी। ये हमारे खंडवा जिले में पड़ता है ये जो ओमकारेश्वर। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये हमारे खंडवा जिले में, हमारे खंडवा जिले में इसकी स्थापना की बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और 293 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है और यहाँ पर भी सभी प्रकार के सभी वन्य जीव जो हमारे राज्य में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर हैं, उपस्थित है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। ये हमने बताया कि कहाँ पड़ता है, ये हमारे धार जिले में पड़ता है और स्थापना बता दें तो ये 2010 में। अब इसका नाम डायनासोर क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर डायनासोर के यहाँ पर कुछ जीवाश्म पाए गए हैं और यहाँ पर डायनासोर की जीवाश्म को यहाँ पर सजाकर उनकी आकृतियों को एक रूप में रखा हुआ, इसलिए उसका नाम डायनासोर के नाम पर ही डायनासोर पार्क रख दिया है। जीवाश्म, उसके कुछ जीवाश्म अवशेष मिले हुए हैं यहाँ पर। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 89.74 किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है डायनासोर के यहाँ पर जीवाश्म में, जैसे कि आपने बताया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फॉसिल्स। ये हमारा जीवाश्म है, जैसे कि हमने बताया ये हमारे कहाँ पर, ये डिंडोल में है और ये वनस्पति जीवाश्म, यहाँ पर पेड़ पौधों की साक्ष्य मिले हैं वहां पर, यहाँ पर पेड़ पौधों की जो साक्ष्य है, अवशेष है, जो पुराने हैं पेड़ पौधे जो आजकल हमारे पास नहीं है उनको भी यहाँ पर, जो आजकल रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं उनको भी यहाँ पर सजा के रखा हुआ है, जो कि हमारे फॉसिल्स बन गए हैं एक तरह के। इसकी स्थापना की बात करें तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। किलोमीटर बात करें तो हमारे 0.027 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये एक किलोमीटर भी नहीं है पूरा, या याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉसिल्स। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलिए अब यहाँ पर हमारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे इंपोर्टेंट उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, पर इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और है कि यहाँ पर जो हमारे कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं इनको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है। उनके नाम जो हम बताएंगे अभी, कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, वो कौन कौन से हैं इनको पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कानाकिसी राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, संजय गांधी और सतपुड़ा, जो कि हमारे कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद में पड़ता है, और संजय कहाँ पड़ता है, पेंच कहाँ पड़ता है, पन्ना कहाँ पड़ता है, कानाकिसी कहाँ है, बांधवगढ़ कहाँ है,
इनको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर बता दीजिएगा। तो आज का वीडियो हमारे पास हमारा कैसा लगा आपको, यदि पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। इस तरह की वीडियो और लेके आएंगे आप, सो टेक केयर, बाय बाय।